हक की तलाश। इमाम जो है वो उसके माने होते हैं लीडर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने इस अपने यहाँ इमाम को सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी की हद तक महदूद कर दिया है, या जब कोई कुरान खानी हो या कोई कहीं नमाज जनाजा हो। लेकिन इमाम जो है उसके बहुत वसी मानी भी हैं, वसी जिम्मेदारियाँ भी हैं, और उसका जो डोमेन है वो पूरी सोसाइटी को कवर करता है। तो इमाम सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं होता, इमाम माशरे का इमाम होता है, इमाम मुसलमानों का इमाम होता है, इमाम उस माशरे में रहने वाले लोगों का इमाम होता है। और वो उनको सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स की इमामत नहीं करता या उनको रिचुअल्स नहीं सिखाता, वो उनको ज़िंदगी को अच्छी तरीके से इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने के तरीके भी सिखाता है। वो लोगों को ये बताता है कि ईमानदारी तो करनी है, लेकिन ईमानदारी के फ़ायदे क्या हैं। वो लोगों को ये तो कहता है कि आपने कम नहीं तोलना, लेकिन कम क्यों नहीं तोलना? सिर्फ इसलिए नहीं कि हज़रत सालेह की कौम ने कम तोला था तो उस पर अजाब आ गया था, बल्कि ये कि कम तोलने से क्या नुकसानात हैं उसके, और उससे माशरत के अंदर भी और मईशत के अंदर भी किस किस्म की खराबियाँ आती हैं। अगर शराब नहीं पीना, जिना नहीं करना तो बिल्कुल ठीक है, कुरान में ममानियत है, हमारे हुजूर ने बहुत सख्ती से इन चीज़ों को नापसंद किया, उनके बारे में हमें बताया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें लोगों को यही बताना कि क्यों।